एग्स। हयातनगर गांव में जयदेव और सरिता नाम के पति पत्नी रहते थे। जयदेव सरिता से बहुत प्यार करता था। वो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था। सरिता बहुत भोली थी, पति से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत आदर भी करती थी। एक बार, एजी आप जब ऑफिस चले जाते हो तो मैं बोर हो जाती हूँ, कुछ नहीं सोचता। क्या आप मेरे लिए टीवी खरीदेंगे? जयदेव पत्नी के प्यार से मना नहीं कर पाया और उसे एक टीवी खरीदा। अगले दिन सवेरे सरिता ने टीवी ऑन किया, उसमें एक विज्ञापन, सफेद और चमकदार दांतों के लिए इस्तेमाल करें कोलगेट कोलगेट। फिर थोड़ी देर बाद, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कहकर अलग अलग एड आने लगे। तभी सरिता को एक उपाय सूझा। तभी जाके अपने पति के पास 10 अलग अलग टूथब्रश और 10 अलग अलग टूथपेस्ट ले गई। ये क्या है? सालों साल आपके दांत सफेद और ताजा रहे, इसके लिए आपको आज से कोलगेट, नमक वाला पेस्ट, दंत मंजन, यूं सब तरह के पेस्ट इस्तेमाल करने होंगे। सफेदी की सफेदी, खुशबू की खुशबू, कहकर सारे पेस्ट मिलाकर उसे दिया। बाप रे, सुनने में ही डर लग रहा है। इनसे दांत साफ करूंगा तो मेरे दांतों का क्या होगा? कहते हुए पत्नी के प्यार को मना ना कर पाते हुए उसने ब्रश किया। थोड़ी देर बाद जयदेव के मुंह से एक दांत निकला। ये क्या हुआ? यूं सोचकर सिर पीट लिया। फिर एक और बार टीवी में एक एड आया, इस साबुन से आपके काले कपड़े सफेद हो जाएंगे। हाँ, ये सच है। हैरान हो गए? एक और एड, शक्ति भी सफेदी भी, अब सफेदी ही सफेदी। सरिता अपने घर में 5 किस्म के वॉशिंग सोप लाकर, सुनो जी, अब मैं देखती हूँ कि तुम गोरे कैसे नहीं होते हो, ये सारे सोप इस्तेमाल करो। वो सारा मला और बाप रे, खुजली, हाय रे, जलन हो रही है, तेरे प्यार ने मुझे मार डाला, अब मैं गोरा बनकर क्या कमाल करने वाला हूँ, मैं इस खुजली से मर रहा हूँ। हाय राम, रुको, एक और साबुन लाती हूँ। एक और सोप, मैं मरा, कहकर वहाँ से भागा। अगले दिन सरिता सवेरे सवेरे सोते हुए जयदेव के पास गई। अजी उठो, आज हमारे लिए खास दिन है। क्या है? सवेरे सवेरे क्या खास है? भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओ यस यस यस, हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आइए, मैं आपके सिर पे तेल लगाकर नहलाती हूँ। यूँ कहकर एक शैम्पू बोतल निकाला। जयदेव चिंता में पड़ गया। ये शैम्पू बोतल क्या है, ये क्यों लगा रही हो? ये ऑल इन वन धुरंधर शैम्पू है। उस एड में इससे रूशीनाशक, बाल घने करने के लिए, बाल काला करने के लिए शैम्पू, ऑयल, हेयर डाई सबको अच्छी तरह मिलाकर थोड़ा सा अंडा भी मिलाया है। बाप रे, मुझसे नहीं होगा, इसे अगर मैंने सिर पर लगाया तो रूसी की नहीं मेरे बाल का नाश हो जाएगा। उस दिन शाम को जयदेव ऑफिस से घर जल्दी लौटा। घर आकर देखा तो सरिता ने कई किस्म के व्यंजन बनाकर टेबल पर सजाया हुआ था। ये सब देखकर जयदेव चौंक गया। इतने सारे व्यंजन, इस बार कौन सा एड देखा मेरी माँ? अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो, आपने सही पकड़ा। थोड़ी देर पहले देखा था, कहते हैं कि बहुत लाइट होता है, स्वादिष्ट भी, कई किस्म के तेल से बनाया है, मैंने बहुत प्यार से बनाया है, आपको खाना ही पड़ेगा। जयदेव पत्नी के प्यार के आगे झुक गया और एक एक करके खाने लगा। तुमने कौन से तेल से बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है। सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सबको मिलाया, अब आपको सारे पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए ना। ये बात सुनकर जयदेव पेट को पकड़कर गश खाकर गिर गया। एक गांव में बलराम नाम का एक किसान रहता था। वो अपने काम के लिए एक गधा और एक बैल को पालता था। वो बैल को हर रोज 10 किलोमीटर दूर अपने खेत तक ड्र, 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 कहकर हांकता हुआ उसे ले जाता था। वो बैल से
खेत जुताता था। फसल कटने के बाद अनाज की बोरियों को गधे पर लादकर शहर तक ले जाकर बेचता था। वो बैल हर रोज शाम को थक कर पशुशाला में आता था, आकर गधे से, हाय रे, पैरों में बहुत दर्द है, तुम्हारा क्या? जब फसल कटे तभी तुम्हें काम होता है, मुझसे हर रोज खेत जोतना नहीं होता। गधा, सही कहा दोस्त, मुझे भी तुम्हें देखकर तरस आता है। कुछ दिनों बाद गधा बैल से, दोस्त, मैं हर रोज खाली बैठा रहता हूँ ना, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे एक उपाय सुझाए, कल से तुम ऐसे जताओ जैसे तुमसे उठा नहीं जा रहा, दो तीन दिन देखकर मालिक तुम्हें काम देना बंद कर देंगे। बैल को ये उपाय अच्छा लगा। अगले दिन बलराम जब आया तो बैल लेटा हुआ था, बहुत उठाने पर भी नहीं उठा बलराम। लगता है बैल बीमार है, दो दिन से काम रुका हुआ है, अब क्या करें? यूं सोचकर गधे की ओर देखा, उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन से गधे को खेत की ओर ले जाने लगा। वो उसके पीछे साइकिल पर जाते हुए, ए चलो चलो, ड्र 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 कहकर उसे ले जाने लगा। गधा, ये क्या, खुद साइकिल में मजे से आ रहा है और मुझे चल चल कह रहा है, यूं सोचता था। गधे से खेत जुताने लगा। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद गधा बैल से, अब बस करो नाटक, कल से काम पर लग जाओ, मैं नहीं जानता था कि मेरे उपाय मुझे ही मुसीबत में डाल देगी। बैल, तुम्हारे उपाय के कारण ही मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी काम ना करने पर भी मुझे चारा डाला जा रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है इसलिए मैं क्यों काम करूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कहकर चारा खाकर सो गया। गधा, आमखां इसे सलाह देकर, मैं फंस गया हूं। एक दिन बलराम गौशाला में एक कसाई को लेकर आया। कसाई से, ये बैल कई दिनों से उठ नहीं रहा है, अब मैं समझ गया कि ये मेरे कोई काम नहीं आने वाला, ऊपर से इसे तीन वक्त चारा भी डालना पड़ता है, इसीलिए इसे ले जाओ और जो भी बन पड़े मुझे दे दो और पैसे डालकर मैं एक और बैल खरीद लूंगा। कसाई ने बैल को देखा, उसे तंदुरुस्त पाया तो थोड़े पैसे देकर, मैं इसे कल ले जाऊंगा, कहकर चला गया। ये सब देख बैल चिंता में पड़ गया। उस रात को डरे हुए बैल से गधा, कम से कम अब तो जान गए होगे कि मैंने तुम्हें गलत सलाह दी थी, मेरी सलाह को ये सोचकर कि ये आरामदायक है बिना समझे मान गए, अब देखो नतीजा क्या हुआ। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल जब मालिक आए तो उन्हें दिखाओ कि तुम तंदुरुस्त हो। अगले दिन मालिक और कसाई के आते ही वो बैल उछलते हुए चिल्लाने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा। बैल को तंदुरुस्त देख मालिक ने कसाई के पैसे उसे लौटा दिए। उस दिन से बैल अपना काम करने लगा और गधा बोरियां ढोने लगा। एक दूसरे को सलाह देना बंद कर अपना अपना काम करने लगे। समझे बच्चों, मुफ्त सलाह देने से कितनी समस्याएं होती हैं? तो दूसरों को सलाह देना छोड़कर यदि अपना अपना काम करने लगे तो जिंदगी आराम से बीत जाएगी, क्यों? ऑमलेट वाले की सफलता। कई साल पहले एक गांव में धर्मेंद्र नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चिटकू। चिटकू बहुत चालाक लड़का था। धर्मेंद्र हर रोज अपने ट्रॉली में अंडे भरता था, उन्हें ले जाकर दुकानों में बेचता था और उनसे पैसे लेता था। किसको उसने कितने अंडे बेचे और किससे उसने कितने पैसे लिए, पूरा हिसाब एक कागज पर लिखता था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसको हिसाब करना नहीं आता था। पर इसका फायदा उठाकर
कुछ लोग उसे ठग भी लेते थे। उसी गांव में चौहान नाम का एक आदमी एक ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगाता था। ए ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट, गरम गरम ऑमलेट ले लो, टमाटर ऑमलेट, मसाला ऑमलेट, चीज ऑमलेट ले लो, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, चिल्ला चिल्ला कर वो बेचता था। और वो काफी लालची भी था, मौका मिलते ही दाम बढ़ा देता था और लूट लेता था। उसके ठेले पर धर्मेंद्र रोज अंडे पहुंचाता था। एक दिन उसने कहा, देखो धर्मेंद्र, पूरा हिसाब 1200 का है। इस हफ्ते मैंने 12 डजन लिए हैं, पिछले मैंने 10 डजन दिए थे, उसमें से 8 मैंने वापस लेने को कहा था, पर तुमने सिर्फ 5 ही वापस लिए थे, तो पूरे मैंने कितने डजन लिए? धर्मेंद्र बोला, 12 में से 10 जोड़कर 8। भाई तुम तो जानते हो मैं हिसाब का कच्चा हूँ, इतने सालों से दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पैसे दे दो। कहकर उससे पैसे ले लिया और कागज पर लिख लिया। उस दिन रात को वो घर पर बैठकर एक हाथ में पैसे लेकर कागज पर हिसाब देख के बोला, अरे ये क्या, हर रोज हिसाब से पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? उसने कहा। तो चिटकू बोला, क्योंकि आपको हिसाब करना नहीं आता इसलिए, और हर हफ्ते कोई ना कोई आपको ठग लेता है, नुकसान होने पर भी आप धंधा कैसे चला रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीजिए, आज किसने कितना कितना दिया, किसको आपने कितने डजन बेचे, सब लिख के रखा है ना, वो कागज मुझे दिखाइए, वो बोला। फिर धर्मेंद्र से कागज लेकर खुद हिसाब करके चिटकू ने कहा, आज तो सब पैसे ठीक ठाक दे दिए, पर वो ऑमलेट बेचने वाला चौहान ने कम दिया है। दूसरे दिन दोनों चौहान के ठेले के पास आ पहुंचे। धर्मेंद्र बोला, भाई आपने जब भी पैसे दिए हैं मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, पर कल आपने पैसे कम दिए, शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी भाई, एक बार देख लो। चौहान बोला, ए क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है, तुझे हिसाब करना आता नहीं, ऊपर से कहता है मैंने कम दिए हैं, भला चाहता है तो माफी मांग ले वरना तेरी हालत मैं बिगाड़ दूंगा। चिटकू बोला, माफी मेरे पापा को नहीं आपको मांगना चाहिए, पहले इज्जत से बात करना सीख लीजिए, ये देखिए आपने कितने अंडे के कितने पैसे दिए हैं, पूरा हिसाब है यहाँ, पापा को हिसाब नहीं आता तो आप ठग लोगे, शर्म नहीं आती? गुस्से में चौहान बोला, धर्मेंद्र तेरा बेटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख अंडे बेचकर गुजारा करता है और इतना अहंकार, अरे इतना बड़ा व्यापार करता हूँ मुझे कितना अहंकार होना चाहिए। चिटकू बोला, अरे कौन से इतना बड़ा व्यापार करते हो आप, कोई भी कर लेगा, ये तो हम भी कर सकते हैं, और व्यापार करने पे उतर गए ना तो ईमानदारी से करेंगे, आप की तरह लोगों को ठगेंगे नहीं। पापा चलो चलते हैं, सोच लेंगे पैसे हमने उसे भीख में दे दिए, अब चलिए। घर पहुंचकर धर्मेंद्र ने कहा, बेटा आराम से अंडे बेचने का धंधा कर रहा हूँ मैं, अब ये नया व्यापार शुरू करना जरूरी है क्या? चुटकू बोला, पापा आप कितने सरल हो, जिंदगी में हो चाहे व्यापार में हो बदलाव की जरूरत होती है, तुम उसे एक अंडा 3 रुपए में बेचते हो और उसी का वो ऑमलेट बनाकर 10 रुपए में बेचता है, प्याज टमाटर वगैरह का हिसाब लगा लेना, कम से कम एक ऑमलेट पर वो 4 रुपए कमाता है, इतना तो हम भी कर सकते हैं पापा, और ग्राहकों को लाने के लिए स्वाद अच्छा करो और दाम कम रखो, हम ऑमलेट 9 रुपए में बेचेंगे, ठीक है? बस अब आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और फिर इन लोगों ने भी एक ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगा लिया। ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट, गरम गरम ब्रेड ऑमलेट, कैरेट ऑमलेट, मसाला ऑमलेट, चीज ऑमलेट, ब्रेड बटर ऑमलेट, दोनों चिल्लाकर बेचने लगे। और फिर आहिस्ते आहिस्ते उनके ठेले पर भी खरीदार आने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में ठेले से हुई आमदनी से उन लोगों ने एक बड़ा सा होटल खोल दिया। ब्रेड ऑमलेट के साथ साथ बिरयानी, रोटी और कई अलग तरह के पकवान वो बनाने लगे, और इनसे उन्हें बहुत सारा लाभ हुआ। उन्होंने एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया, और इनके वजह से चौहान का व्यापार ठप हो गया, वो गाँव छोड़ के ही चला गया। तो बच्चों, धंधे में कमाई करने का मतलब ठगना नहीं होता, ईमानदारी रखना चाहिए, ऐसा करने से धंधे में कभी नुकसान नहीं होता, यही इस कहानी का सारांश है, समझ गए? एक गांव के नजदीक रामसागर नाम का एक बीच था, उनमें एक भेलपुरी का ठेला भी था। ठेले का मालिक का नाम था बाबू, उसे हर कोई भेलपुरी बाबू के नाम से ही बुलाते थे। वो बहुत ही अहंकारी था, साथ साथ दुर्भाषी भी था, सस्ता तेल और चीजों को मिलाकर वो भेलपुरी बनाता था। उसके ठेले पर उसकी बीवी उसका हाथ बटाया करती थी। उसके ठेले के पास ही राइफल से बैलून मारने वाले का दुकान भी था, उसका नाम था अंजन। एक दिन अंजन ने भेलपुरी खाया और बोला, अरे बाबू तुम्हें पता है भेलपुरी कितना गंदा बना है, थोड़ा ठीक ठाक बना तो ले सकते हो ना, ऐसे करोगे तो कौन आएगा तुमसे खाने? भाई परवड़ता तो खा लो, नहीं परवड़ता मत खाओ, पर सलाह मत दिया करो यार, 4 बैलून और 1 राइफल लगा दिया है और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो, मेरा भेलपुरी खा के पेट भरता है, बैलून फोड़ के क्या मिलता है,
वैसे भी यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, जो मिलता है खाते हैं और चले जाते हैं। अब उनको खिलाने के लिए मैं कितना खर्चा करूँ? नुकसान तो नहीं उठा सकता। जाके अपना धंधा देखो ना भाई। वो कौन सा गलत बात कह रहे हैं? आप एक ही तेल को बार बार जलाते हो, कल के बासी खाने को आज के खाने में मिला के बेचते हो, ये गलत बात नहीं है क्या? इससे लोगों की सेहत बिगड़ जाती है, जानते हो? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिना मिलावट का कोई भी धंधा है, मुझे सलाह देना छोड़ दो और अपना काम देखो, जाओ। एक दिन एक माँ और बेटी मिलकर बीच पर आए, ठेले के पास से गुजर रहे थे तो बच्ची ने कहा, मम्मी मुझे भेलपुरी चाहिए, मुझे भेलपुरी चाहिए, दिला दो ना। फिर माँ ने बच्ची की बात मानी, उसने पैसे दिए और भेलपुरी ले ली। उसे खाकर बच्ची ने कहा, छी मम्मी ये तो गंद मार रहा है, मुझे नहीं खाना। माँ ने उसके हाथ से प्लेट लिया और उसे सूंघा। अरे ये क्या, ये तो बासी है, इसे कैसे बेच रहे हो? हमें ये भेलपुरी नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस करो अभी। अरे माई क्यों चिल्ला रही हो, कितने लोग खा के गए हैं, किसी को तो बास नहीं मारा, पैसे नहीं मिलेंगे। झगड़ा मत करो माई, अब जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप औरत हो, फिर देख लेना। दूसरे दिन उसके गाड़ी के पास एक एम्बेसडर कार आके रुका, उसमें से एक ऑफिसर और कुछ और साथी उतरे। हम सबको भेलपुरी दो, हमने सुना है तुम्हारे ठेले पर भेलपुरी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत खुश होकर बाबू ने सबको भेलपुरी दे दी, फिर भेलपुरी को सबने सूंघा। अरे ये क्या बाबू, इतना दुर्गंध मार रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। बाबू बोला, दुर्गंध मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बना दिया तो पैसे लेने तो पड़ेंगे ही ना, पैसे दीजिए और जाइए। तब उस ऑफिसर के साथ के आदमी ने कहा, हे बाबू जानता है किससे बात कर रहा है? कलेक्टर साहब है ये, कल जो आए थे ना, सर के मैडम और बेटी थे। तू तो बेटा कलेक्टर को ही डरा रहा है, तो साधारण इंसान से तू क्या करता होगा? कलेक्टर बोले, इसके ठेले को सीज कीजिए और जो खाना है उसे फूड इंस्पेक्शन लैबोरेटरी भेज दीजिए। एक सरकारी अधिकारी को धमकाने के जुर्म में इसे अभी अरेस्ट कीजिए, लोगों के सेहत के साथ खेलता है, इतनी हिम्मत तेरी? कहकर उन्होंने डांटा, फिर बाबू को अरेस्ट करके वहां से लेके चले गए। फिर कोर्ट में बाबू को 6 महीने का कठिन कारागार का शिक्षा हुआ। बाबू लौटा तो उसकी बीवी ने कहा, आगे से धंधा थोड़ा सोच समझ कर किया करो, फिर से गांव में अपनी इज्जत वापस कमाओ, अपने बेटे के लिए एक आदर्श पिता बनो, समझ गए?